विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए कुछ चर्चा करें। आप सभी भाई बहनों ने बड़ी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातों को सुना और जीवन में थोड़ी सी बातें अगर आ जाएं तो आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा, सुंदर बन जाएगा। जैसे सूरज की एक किरण प्रकाश कर देती है और अंधेरा अतिरोहित हो जाता है, जैसे मठा की चार बूंद 10-5 किलो दूध की स्थिति को बदल देती हैं, वो दूध दूध न रह करके दही बन जाता है। ऐसे ही ये संतों की बात, संत जीने की कला बताते हैं। संत सारे अंधविश्वास, अज्ञान, रूढ़िवादिता, जो पुरानी लकीरें चली आ रही हैं, उन सारी बातों को ठीक तरीका से बताते हैं। और जो भाई बहन समझ लेते हैं उनका जीवन खुशहाल हो जाता है। आपने देखा होगा एक थाली में शहद रखा हुआ है और एक मक्खी आई और उसमें सीधी गिर पड़ी खाने के लिए और उसके पंख उलझ गए उसमें और वो तड़प तड़प करके मर गई। और एक दूसरी मक्खी आई, वो किनारे पर बैठ करके वो शहद भी खा गई और उड़ गई। एक तो मर गई और एक शहद भी खाती रही और सैर भी करती रही। ऐसे ही जो कोई विवेक पुरुष, जिन भाई बहनों के अंदर में ऐसा ज्ञान हो जाता है, तो वो संसार में उत्तम प्रवृत्ति के साथ भोगों को भी भोग लेते हैं और अपने जीवन को उत्कृष्ट जीवन बना लेते हैं। जिन बिचारों को ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, वो उसी तरीका से जैसे वो मक्खी गिर गई उसमें बीच में और फंस गई, उसके पंख उलझ गए और वो तड़प तड़प करके मर गई। अज्ञानी आदमी इसी तरीका से तड़प तड़प करके मर जाता है। नाना अंतर के व्यसनों में, विषयों में जो थोड़ी सी समझ जागृत हो जाती है तो एक अच्छा आदमी अच्छा जीवन जीता है। हमारे सभी के हृदय में हजारों नहीं लाखों प्रतिभाएं भरी हैं। एक छोटा सा उदाहरण याद आ गया। एक राजा के 3 बेटा थे। राजा ने सोचा कि कौन से बेटा को अब राजगद्दी देना चाहिए, और परंपरा के हिसाब से तो बड़े बेटा के लिए राजगद्दी होनी चाहिए, लेकिन राजा का जो बड़ा बेटा था वो थोड़ा सा अहंकारी था, राजा का बीच का बेटा था वो व्यसनी था, विलासी था, छोटा बेटा था वो बड़ा सीधा साधा और सत्संगी था। फिर भी राजा ने एक और परीक्षा करने के लिए 5-5 रुपया के फूलों की, बीजों की पैकेट मंगाई
और अपने तीनों बेटाओं को वो तीनों पैकेट बांट दी और कहा कि बेटा मैं 6 महीना बाद आऊंगा और ये फूलों के बीज हैं रख लेना। राजा तो चला गया कहीं अपना भ्रमण करने के लिए, और जो बड़ा बेटा था राजा का वो थोड़ा अहंकारी टाइप का था, उसने अपने मंत्री से कहा कि पिताजी ये फूलों का पैकेट दे गए हैं, इसको बाजार में बेच आओ। हाँ कौन रखवाई कर लेगा, जब पिताजी आ जाएंगे आज 5 रुपया की बिक जाएगी, कल 6 रुपया की ला के दे देंगे, कौन कटेगी। अब ऐसे जाए धरे रहो जाके रखवाई करो रक्षा करो। वो चले गए दुकान पर, 5 रुपया की बेच आए। राजा का बीच का बेटा था, उसने सोचा कि भाई आखिर से हमारे पिताजी हैं, हम खराब तो नहीं करेंगे और बेचेंगे नहीं, बढ़िया सा कपड़ा लेकर के और बांध करके और अपने बक्सा में सबसे नीचे तय में रख दिया। भाई पिताजी दे गए हैं तो जैसी की तैसी देनी है हमें तो। लेकिन छोटा बेटा था वो समझदार था, सत्संगी था, आप जैसे लोगों के बीच में बैठक थी उसकी, उसने सत्संग में ऐसे ही बैठे, सत्संग समाप्त हुआ फिर अपनी ज्ञान गोष्ठी वही थोड़ी सी, वही अच्छे अच्छे चुनिंदा लोग रह गए, कुछ भाई प्रसाद लेकर के निकल गए। तब उसने कहा कि भाइयों हमारे पिताजी ने हमको एक फूलों के बीजों का एक पैकेट दिया है और पता नहीं वो क्या कहना चाह रहे हमसे। एक भैया और कोई समझदार थे, उन्होंने कहीं कहना क्या चाहते हैं, इस बात को भी नहीं जानते हो तुम। हाँ क्या जानता तो, इनको बो करके फूल उगाना चाहिए। तो बस बढ़िया सा एक बीघा खेत तैयार करो, पहले इनको बो दो, इसकी पौध हो जाएगी इन फूलों की बीजों की। बो करके बढ़िया खेत बनाया, खाद डाला, उसमें बो करके बीज तैयार कर दिए और बढ़िया पौधे उपज करके तैयार भाई। और कई प्रकार के फूल थे, कई प्रकार के बीज थे, तो कई प्रकार के पौधा तैयार हुए। अब उसने बड़े तजर्बा से जब पौध पक करके तैयार भाई, तो फिर बड़े हिसाब से उसने उसको लगाया, क्यारी बाई क्यारी, कहीं गेंदा है तो कहीं गुलाब है तो कहीं मोंगरा है, इस तरीका से उसने पूरे खेत में 1 बीघा में बीज भर दिए। अब पौध लग करके तैयार हो गई, जम गई। अब तो शाम सवेरे वहाँ जाते हैं, निराते हैं, देखते हैं, धीरे धीरे 2 महीना के बाद पौधा बड़े बड़े हो गए, उनमें कलियाँ छटने लगें और फूल खिलने लगे। और महीना 15 दिना के बाद जब तलक वो राजा आए घूम करके, तब तलक तो उस बगिया में फूल ही फूल खिल गए। चार हवा चलती है, जिधर हवा इधर की हवा चलती है तो उधर में बहुत दूर दूर तक खुशबू जाती है, लोगों में चर्चा हो गई, देखो राजा के बेटा ने कितना बढ़िया काम किया है। लोग उधर वहाँ होकर के जाते हैं तो लगता है कि यहाँ पर बैठें देखें कैसे कैसे फूल खिले हुए हैं, हजारों भमरा और तितलियां गुंजार कर रही हैं, सबका मन मुग्ध हो जाता है वहां जाकर के। और ये ध्यान रखो, एक तो खेलता हुआ बच्चा और ये खिलता हुआ फूल, अगर किसी के सामने आ जाता है तो उसका कितना भी मुरझाया हुआ चेहरा हो, लेकिन उसके अंदर में भी खिलावट आ जाती है, उसके होठों पे मुस्कुराहट आ जाती है। खेलता हुआ बच्चा है, बच्ची है किसी की, और वो खेल रही है तो एकदम कोई भी भाई बिना ठहने नहीं जाएगा, और कोई ज़्यादा अच्छी बात होगी तो और गोद में ले लेंगे, 1 मिनट खिला जाएंगे उसको, क्योंकि खेलते हुए को तो सभी खिलाते हैं। फूल अगर खिल रहे हैं तो कोई भी अगर वहाँ होकर के गुजरेगा तो जरूर 5 मिनट फिर देखेगा, चाहे कितनी भी जल्दी हो। महाराज लौट करके आए अपनी यात्रा से,
और आकर के अपने बेटाओं से कहा, बेटा हमने जो तुमको अमानत दी थी उसको लाओ, हमें दो। आपने क्या किया उनका? बड़े बेटा ने बड़े ही अहंकार में कहा, मंत्री ले जाओ 10 रुपये, पिताजी की पैकेट ला करके दे दो दुकान से, और वो ही लाना उसी तरीके की। और वो गया और बाजार में से पैकेट ला करके पिताजी को थमा दी, लो पिताजी यही तो थी। बोले ठीक है। दूसरे बेटा से पूछा, बेटा आपने क्या किया उन बीजों का? बोले पिताजी हमको ये ख्याल था हम आपकी चीज को बिगाड़ेंगे नहीं, हमने तो बांध करके बड़े हिसाब से और बक्सा में रख दी है, और हम उसी को निकलवा करके लाएंगे। और वो जा करके खोल करके बक्सा देखा तो वो तो घुन गए सब के सब। बोले पिताजी ये है आपकी पैकेट। बोले ये तो घुन गए सब के सब, तो मैं क्या करूं, गुने और साजे जैसे हैं वैसे मैंने रख दिए, वो मैंने आपको समर्पित कर दिए, अब घुन गए तो घुन गए, मैं क्या करूं, मैंने तो रख दिए जैसे के तैसे। जब पिताजी अपने छोटे बेटा के पास में जब राजा पहुंचे, छोटे बेटा से कहा, बेटा आपने क्या किया उस पैकेट का? बोले पिताजी आप सवेरे अपने 2-4 और मित्रों को लेकर के और उधर ही चलेंगे जहाँ पर आपके बीज रखे हुए हैं, वहीं पर आप देखेंगे चल करके। सवेरा ही हुआ, राजा अपने 2-5 मित्रों को लेकर के और जब वहाँ पर पहुँचे तो देख करके एकदम सुबह की बेला फूल खिल रहे हैं, चकाचक बगिया देख रही है, खुशबू आ रही है। राजा का हृदय भी गदगद हो गया एकदम, धन्य बेटा तुम जैसे ही सपूतों की आवश्यकता है, तुम ही राज्य के काबिल हो, तुम ही संभालोगे इस राज्य को। बोले नहीं पिताजी हमारे अंदर में ये कोई प्रलोभन नहीं है कि हम पिताजी की गद्दी पर बैठ जाएं, गद्दी का अधिकार तो हमारे बड़े भाइयों के लिए है, हमने तो सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन किया है, जो आपने कुछ दिया हमको हमने उसका सदुपयोग किया है। धन्य है ऐसे लोगों के लिए जो किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं, किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं, कोई आसक्ति और वासना नहीं, और ऐसे भाव से फिर वो सेवा करते हैं अपना कर्तव्य समझ करके, तो उनके पास में ये सारी की सारी चीजें वैसे ही आ जाती हैं। ज्यों सुख संपत्ति बिनहीं बुलाए धर्मशील पर जाए सुभाए। कितनी बढ़िया बात कही रामायण में बाबा तुलसीदास जी ने, जो सुख संपत्ति बिन ही बुलाए और धर्मशील पर जाए स्वभाव। ये स्वभाव है, ये सुख का संपत्ति का समता का। जो धर्मशील होते हैं, जो धर्म परायण होते हैं, उनके पास में ये सारी चीजें बिना बुलाए ही आ जाती हैं। ज्यों सरिता सागर में जाए, जैसे सरिता सागर में पहुंच जाती है, सारी नदियाओं का पानी सिमट करके और सागर में पहुंच जाता है, इसी तरीका से जो धर्मशील भाई बहनें उनके पास में ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। और जिनका हृदय राग द्वेष से भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह से भरा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है, छल कपट से भरा हुआ है, नाना तरह की वासनाओं से भरा हुआ है, दूसरों को देख देख करके दूसरों की उन्नति को देख करके और जलते रहते हैं, कुटते रहते हैं, उनको गिराने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग धीरे धीरे दरिद्री हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं, वो दुखों के गर्त में चले जाते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। ये तो उदाहरण था जो राजा ने अपने 3 बेटाओं की परीक्षा ली, लेकिन हम उन 3 में से ही, ये हमारा समाज है पूरा का पूरा। मैं जानता हूँ आप तो सभी सत्संग में आए हो, तो आप तो 3री श्रेणी के ही होंगे, जैसे छोटा राजकुमार था।
और अगर थोड़ी बहुत कमी हो तो इसका जरूर कोशिश करना वैसा ही बनने के लिए। और ये भजन है, भजन का मतलब ये नहीं होता है कि किसी कोई माला घुमाते रहो एक जगह बैठ करके, या किसी का नाम रटते रहो एक जगह बैठ करके, ऐसा नहीं। भजन का अर्थ ही होता है एक तो सेवा और दूसरा अपने अंदर में निष्कृतियाँ आ जाए। हम बाहर में, क्योंकि जो भजन शब्द है तो वो भज धातु से निकला हुआ है। भज का मतलब हम थोड़ा सो इसको थोड़ा विभाजन करते हैं, भज भज यानी भजो, सक्रिय रहो, मेहनत करो, खूब बढ़िया बड़े बूढ़े की सेवा करो, बच्ची बच्चाओं को अच्छे शिक्षा और संस्कार दो, नाना तरह के व्यसन और बाजियों से मुक्त हो जाओ, और जहाँ कहीं कोई काम चल रहा हो, सामाजिक कार्य चल रहा हो, या कहीं पर आप गए हो वहाँ पर सेवा का समय दो। राम जी ने यही तो किया नहीं, तो सेवा करो। और जब ना प्रत्यय लग जाता है उसमें भजन, अब कह रहे हैं कि अब भजो मत, कब, जब तुम अपने ध्यान पर बैठ जाओ तब, उस समय तुम्हारे मन के संकल्प विकल्प शांत हो जाए। अब तुम्हारे अंतःकरण में किसी प्रकार की क्रिया नहीं हो रही है, अभी तो क्रिया चल रही है, हम बैठे तो हमें ध्यान पर ध्यान कैसे कर रहे हैं। हे भगवान जी काम और रह जाए, हे भगवान जी काम और रह जाए, हे भगवान जी काम और रह जाए, हे भगवान ने जाए और करवाए दे, हे भगवान ने जाए और करवाए दे। और हम बैठे हैं ध्यान पर और हमारा मन जाने कहाँ बियाबान जंगल में घूम रहा है, जाने कहाँ कहाँ घूमता हुआ चला जाता है। माला फिर रही है, माला तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुख माए, और मनुआ तो दौदिश फिरे ये तो सुमिरण नाय। सुमिरण का अर्थ तो एक जागरूकता है भीतर की, तुम्हारी स्मृति में ध्यान है, तुम जगे हुए हो, तुम्हारे भीतर में होश का दीपक जल रहा है, तो समझ लो तुम्हारा सुमिरण चल रहा है। सुमिरण भी कोई नाम नहीं है, लोग कहते हैं सुमिरण करो, पर सुमिरण किसी नाम की बात नहीं है। सुमिरण का मतलब हमारे भीतर की स्मृति जागृत हो जाए, हमारे भीतर में होश का दीपक जल जाए, तो आपका सुमिरण चल जाए। हर वक्त तुमको ध्यान है, होश में एक एक कदम उठा रहे हो, होश दर्दम लक्ष्य वर कदम मंजिल दरवतन। भीतर में एक बार के लिए दुनिया की चीज कुछ भी ना रहे, तब समझ ले कि अब भजन हो गया। कोई भी चीज नहीं बचे दुनिया की, बेटी बेटा घर मकान पैसा सोना चांदी लेना देना, सबसे हमारा मन विश्राम में चला जाए। जैसे हम सोते नहीं तो हमारी शरीर और हमारी इंद्री विश्राम में चली गई। अच्छा, मन विश्राम में नहीं गया है तो देखो सपना देख रहे हैं अभी, उसको अर्ध नींद कहते हैं। सो तो रहे हैं हमारा शरीर शीतल हो गया और इंद्री भी शीतल हो गई, लेकिन अभी मन नहीं शीतल हुआ है, इसको हम कहते हैं अर्ध निद्रा, सुपन देख रहे हैं। लेकिन सुपन मन भी विश्राम में चला गया, उसको कहते हैं गहरी नींद। ऐसे ही हमारा, हम बैठे हैं ध्यान में और हमारा मन भी विश्राम में चला जाए। तन थेर मन थेर वचन थेर सुरत निरत थेर होय, कहें कबीरता दास को पल्लो पकड़े न। तन थेर शरीर हमारा स्थिर हो गया और मन थेर मन भी शांत हो गया, और तन थेर मन थेर और वचन थेर तो फिर वाणी तो थेर हो ही गई। कहें कबीर, सदगुरु कहते हैं बस उस स्थिति को भजन कहते हैं। अब न कोई नाम है, न कोई जप है, न कोई चित्र है, न कोई मूर्ति है, कौन है वहाँ, तुम्हारा परमात्मा है। और तुम और परमात्मा भी फिर दो नहीं है, ये भी मत रखना अपने बीच में कि जो द्वैत की दीवार थी वो मन था, अब वो मन भी विश्राम में चला गया, मन भी हट गया, अब तुम दो नहीं हो।
तुम्हारा जो रूप है वो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। एक बार तथागत बुद्ध से किसी ने पूछा आकर के, बड़ी मार्मिक बात है क्योंकि इस बात की भूमिका हमारे मार साहब जी ने बनाई थी। तथागत बुद्ध से पूछा आकर के, आनंद पास में बैठे हुए थे, तो वो व्यक्ति एक नास्तिक था। तथागत बुद्ध से कहा कि आप महात्मा बन गए हो, क्यों बने हो महात्मा? आपने नए नए लड़काओं को महात्मा बना दिया है, क्या कोई ईश्वर भगवान परमात्मा है कोई? और है तो बताओ। बुद्ध ने कहा है, ऐसी बात नहीं है, अगर नहीं होता तो तुम यहां तक कैसे आ जाते? अगर नहीं होता तो फिर कौन पूछता? आप अगर इसका प्रैक्टिकल करना है तो आप बैठ जाइए ध्यान पर। तो उस व्यक्ति को ध्यान पर बिठा दिया। एक दूसरा व्यक्ति और आया और वो व्यक्ति आस्तिक था, भगवान को मानने वाला था। तो उसने कहा कि भगवान तो होता है, आप कहते हैं कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, परमात्मा तो होता है। बुद्ध ने कहा कुछ नहीं होता है, अगर होता तो वो अपने हिसाब से सृष्टि को चलाता, सब एक जैसे हो जाते हैं, कोई गरीब हैं, कोई पैसा वाले हैं, कोई बेचारे अपंग हैं, कोई तमाम बीमारियां से जूझ रहा है, कैसा भगवान है वो? कहीं वर्षा कर दे, कहीं सूखा कर दे, कहीं बाढ़ आ गई, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वास्तव में ही देखना है, साक्षात्कार करना है तो ध्यान करो, तो बहुत ध्यान पर बैठा दो। फिर एक तीसरा व्यक्ति और आया, तीसरे व्यक्ति ने कहा कि भगवान हमें सत्य का साक्षात्कार कैसे हो? बुद्ध ने कहा तो मौन हो जा, चुप शांत होकर के बैठ रहे। एक घंटा बैठे ध्यान में, खड़े होकर के पैर छुए और वो खड़ा होकर के चला गया, आंखों में आंसू आए, उनका उपकार सिद्ध किया और वो चले गए। आनंद को बड़ी बीमारी हो गई, बोले ऐसे महापुरुष होकर के तीन प्रकार की बात, एक आया कि भगवान होता है, एक से कह दिया नहीं होता है, एक कह रहा सत्य का साक्षात्कार कैसे हो, तो चुप होकर के बैठ गए। पूरे दिन आनंद परेशान रहे और शाम हुई तब वो तो जान गए न कि आनंद बात क्या है, आज कैसे तुम गुम सुम हो? बोले भगवान तुम जैसे महापुरुष से जब इधर उधर की ऐसी ऐसी बात करते रहते हो तो फिर बताओ अब हम जैसे लोग कैसे समझ पाएंगे? एक व्यक्ति से कह रहे हो भगवान है, एक व्यक्ति से कह रहे हो कि कोई भगवान नहीं है, और एक व्यक्ति जब सत्य की चर्चा करने के लिए आया तो तुम मौन होकर के बैठ गए। बुद्ध ने कहा आनंद हजार बीमारी होती हैं और हजार बीमारियों के लिए हजार प्रकार की औषधियां हैं, हजार बीमारियों के हजार प्रकार के इलाज हैं। ऐसी बात नहीं है कि कौए हैजा हैरो होए और बापे और गरम इंजेक्शन और गोली खवा दो तो क्या होगा? है भाई निमोनिया हैरो होए और भाई और ठंडी बोतल चढ़ा दो बापे तो क्या होगा? इसलिए हरेक बीमारी की अलग दवा होती है। एक व्यक्ति नास्तिक था, उसको नास्तिकता की बीमारी थी, उसकी नास्तिकता की खूंटी को उखाड़ करके फेंका। एक व्यक्ति को आस्तिकता की बीमारी थी, उसकी आस्तिकता की बीमारी को उखाड़ करके फेंका। और एक व्यक्ति जो सत्य की बात पूछ रहा था, तो सत्य की चर्चा नहीं होती है, चर्चा तो असत्य की होती है, संसार की होती है। सत्य का साक्षात्कार तो मन के मौन में होता है।
गीता में भगवान ने कहा है मौन महात्मा निग्रह। जब हमारा मन भी मौन हो जाए बस फिर वहां से सत्य का नजारा है पूरा का पूरा, चाहे एक क्षण के लिए ही हो जाए और एक क्षण में ही आपको वो सारे के सारे भ्रम टूट जाएंगे, भ्रांति टूट जाएगी। आनंद तुम वैसे ही परेशान हो गए, इसलिए मेरे बहन भाइयों वास्तव में अगर कोई हाँ कहता है तो उसके पास में कोई प्रमाण नहीं है और ना कहता है इसका भी कोई प्रमाण नहीं है, और अगर कोई ठहर जाता है बीच में हाँ ना ही के बीच में, अगर ठहर गया बस उसका भजन पूरा हो गया। तो सज्जनों एक भज और एक भजन, भज नाम है सेवा का, आप सेवा करिए है, अपने माता पिता की सेवा करिए, अपने सासू ससुर की सेवा करिए, उनकी आज्ञा का पालन करिए, बुजुर्गों का सम्मान करिए, बेटी बेटाओं को अच्छी शिक्षा और संस्कार दीजिए, तो ये समझ लो ये सब सेवा है। संत गुरुओं की आज्ञा का पालन करिए, देखिए आपके जीवन में कितना अच्छा। आप 10 रुपया मेहनत मशक्कत करके कमा रहे हो, उसमें से अगर आए पर तो 1 रुपया कहीं जगह पर कहीं यहाँ दिख रही हो देने लायक वहाँ पर दान कर दो, क्योंकि जो देते हैं वही पाते हैं और देने वाले के कभी कमी नहीं आती है। इसलिए मेरे बहन भाइयों मैंने निवेदन किया, कहाँ से प्रसंग उठाया मैंने, एक उदाहरण कह करके, पहले एक दूध और मठा का उदाहरण दिया था, जैसे थोड़ा सा मठा दूध को बदन देता है, वो दही बना देता है, और जब मंथन करते तो उसमें से मक्खन निकलता है। जैसे दो माखियों का उदाहरण दिया था, एक जागृत थी और एक सोई हुई थी, सोई हुई ने अपने प्राण गमा दिए रो रो करके, न तो सैद ही खा पाई और न जान बचा पाई, मर गई, और जो जागृत थी वो सैद भी खाती रही, आनंद लेती रही, अपने जीवन को भी बचा गई। इसी पर एक उदाहरण और दिया, जो राजा के 3 राजकुमार थे, उसने ऐसा सदुपयोग करके और उस बगिया को सजोया, उन्होंने अपने बीज खराब कर दिए, लेकिन हम देख लें कि हमारे बीज तो कहीं खराब ना है रहे, हमारे बीज ने में तो कहीं कीड़ा ना लगे रहो, हमने तो कहू ना बेच दे कि तुम कहू दुकानदार है, ऐसा देख लें विचार करके। बेचने का मतलब होता है कि कहीं हमने अपने आप को समर्पण कर दिया और वो भी कुछ जानता नहीं है, वो भी कुछ वो जगह नहीं है, वो बुझा हुआ दीपक है, अगर बुझे हुए दीपक के पास में तुम्हें 100 वर्ष नहीं 1000 वर्ष बैठे रहो तुम्हारा दीपक जलेगा नहीं, दीपक तो जब ही जलता है जब जले हुए दीपक के पास में होते हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों अपने जीवन को बढ़िया उत्कृष्ट बनाने के लिए हम अच्छे सदगुरु संतों के सानिध्य में जा करके बढ़िया हम सत्संग करें, जो हमारे भीतर में गंदे विचार हैं गंदी भावनाएं उन सब का त्याग करें, आज ही त्याग करें, और देख देख करके विचार कर करके एक एक चीज को उठाते चले जाएं, और सज्जनों अपने स्वरूप का अपनी आत्मा का चिंतन, हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएं, चाहे एक क्षण के लिए अगर एक बार पहुंच गए तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में ये संसार है जैसा हम समझते ये वैसा नहीं है, इसका ऊपर रूप कुछ और है और उसकी वास्तविकता कुछ और है। इसलिए मेरे बहन भाइयों आप सभी भाई बहन बड़े ध्यान से बड़े शांति से आपने हमारी टूटी फूटी बातों को श्रवण किया है, संतों का तो यही भाव होता है, और आप सभी के लिए कोटि कोटि साधुवाद धन्यवाद। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाए, सभी निरोग हों सभी स्वस्थ हों सभी का कल्याण हो, इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्री सतगुरुदेव साहिब बंदगी।